मीशो पर रिटर्न्स को कैसे हैंडल करें पर बनाए गए इस वीडियो में आपका स्वागत है। सभी सेलर्स यह जानते हैं कि रिटर्न्स किसी बिजनेस को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन सभी सेलर्स ये नहीं जानते कि आपके बिजनेस के नुकसान को कम करने के लिए अपने रिटर्न्स को कैसे कम करना है और कैसे हैंडल करना है। हम इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताएंगे। मीशो पर दो तरह के रिटर्न होते हैं, कस्टमर रिटर्न्स और रिटर्न टू ओरिजिन या RTO। कस्टमर रिटर्न्स वह रिटर्न्स होते हैं जो कस्टमर द्वारा किया जाता है और यह कई वजहों से हो सकता है, जबकि RTO तब होता है जब प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने से पहले वापस भेज दिया जाता है। कस्टमर आमतौर पर प्रोडक्ट्स को रिटर्न करते हैं अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर प्रोडक्ट का साइज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है, या अगर उन्हें उनके द्वारा ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट से पूरी तरह से अलग प्रोडक्ट रिसीव होता है। RTO आमतौर पर तब होता है जब डिलीवरी पार्टनर कई बार कस्टमर तक पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन कस्टमर लोकेशन पर अवेलेबल नहीं होता या कस्टमर ने गलत डिलीवरी एड्रेस दिया है। RTO आमतौर पर तब भी होता है जब कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर होने से पहले ही कस्टमर ऑर्डर को कैंसिल कर देता है, लेकिन उससे पहले ही ऑर्डर डिस्पैच कर दिया गया है। RTO के केस में आपसे कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो आपसे प्रोडक्ट के वैट के बेस पर रिटर्न शिपिंग फीस ली जाती है। आप रिटर्न शिपिंग फीस के बारे में यहाँ पता लगा सकते हैं। रिटर्न को कम करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें सही तरीके से ट्रैक करना है। लकली मीशो के पास आपके लिए इसे जितना हो सके आसान बनाने के लिए सभी सही टूल और टिप्स हैं। शुरू करने से पहले याद रखें कि जिस डेट को रिटर्न शुरू किया जाता है, कस्टमर के रिटर्न्स को आप तक पहुंचने में 25 दिनों का समय लगता है और RTO को डिस्पैच की डेट से आप तक पहुँचने में 45 दिनों का समय लगता है। आप अपने सप्लायर पैनल में लॉगिन करके और लेफ्ट साइड में रिटर्न या RTO ऑर्डर पर क्लिक करके सभी रिटर्न्स को ट्रैक कर सकते हैं। आपको यहाँ तीन सेक्शन मिलेंगे, पहला इन ट्रांजिट, दूसरा डिलीवरिंग टुडे, तीसरा कंप्लीटेड। इन ट्रांजिट सेक्शन में सभी रिटर्न्स लॉजिस्टिक पार्टनर द्वारा पिकअप कर लिए गए हैं और करंट में आपके पास वापस आने वाले हैं। डिलीवरिंग टुडे में इसके अंदर दो सब सेक्शन हैं। पहला, जिसे डिलीवरिंग टुडे भी कहा जाता है, ये उन सभी रिटर्न्स को दिखाता है जो उस दिन डिलीवर किए जाएंगे जिस दिन आप सेक्शन देख रहे हैं, और दूसरा है टू बी रीअटेम्प्ट, ये उन सभी रिटर्न्स को दिखाता है जिन्हें आपको वापस देने का प्रयास किया गया था लेकिन डिलीवर नहीं किया जा सका। कम्प्लीटेड के अंदर भी दो सब सेक्शन है, पहला है डिलीवर्ड, ये उन सभी रिटर्न्स को दिखाता है जो आपको सक्सेसफुली वापस कर दिए गए हैं, दूसरा है लॉस्ट, ये उन सभी रिटर्न्स को दिखाता है जो ट्रांजिट में खो गए थे। लॉस्ट में आपको वह डेट मिलेगी जिस डेट को उन्हें लॉस्ट मार्क किया गया था और जिस डेट को लॉस्ट गुड्स की पेमेंट को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया था। आपको रिटर्न्स या RTO ऑर्डर टैब के हर एक सेक्शन में कॉलम मिलेंगे जो आपको प्रोडक्ट डिटेल्स, सब ऑर्डर ID, कस्टमर रिटर्न्स के केस में रिटर्न का कारण, डिलीवरी पार्टनर का नाम और AWB नंबर के लिए ट्रैकिंग लिंक दिखाते हैं। ज्यादा डिटेल में अपने ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए AWB नंबर पर क्लिक करें और अपने शिपमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन देखें। हर एक टैब में रिलेवेंट डेट कॉलम भी होते हैं, जैसे कि रिटर्न क्रिएट डेट, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट और इसी तरह से और भी। याद रखें, आप अपने रिटर्न्स को कंप्रेस करने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टॉप राइट साइड में सर्च बार में ऑर्डर ID या AWB नंबर डालकर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए भी सर्च कर सकते हैं। आप एक बार में अपने रिटर्न के बारे में सभी जानकारी वाली एक एक्सेल शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप बल्क में डेटा को एनालाइज कर सकते हैं या इसे बाहर से चेक कर सकते हैं। रिटर्न किए गए शिपमेंट से निपटने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहले, रॉन्ग डिलीवरी या फ्रॉड के केसेस से बचने के लिए हमेशा डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को अपने SMS या ईमेल पर शेयर किया गया OTP दें। दूसरा,
हमेशा रिटर्न किए गए शिपमेंट को एक्सेप्ट करें। अगर यह आपके लिए है, मीशो आपके प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकता है और आपके द्वारा कलेक्ट नहीं किए जाने पर आपके प्रोडक्ट को डिस्पोज कर देगा। यदि कोई ऑर्डर आपके या आपके बिजनेस के नाम नहीं है तो इसे किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट न करें। आप रिटर्न से रिलेटेड टिकटों की लिस्ट के लिए सपोर्ट टैब में रिटर्न या RTO और एक्सचेंज सेक्शन में जा सकते हैं और मीशो टीम को आपकी मदद करने में खुशी होगी। कृपया ध्यान दें कि आपको रिटर्न किए गए शिपमेंट का हमेशा एक अनबॉक्सिंग वीडियो लें। बहुत जरूरी है कि आप ऐसा करें, क्योंकि अगर रिटर्न किए गए प्रोडक्ट के साथ कोई इश्यू है तो मीशो की सपोर्ट टीम आपकी मदद केवल तभी कर सकती है जब आपने एक अनबॉक्सिंग वीडियो अटैच किया हो, जिसमें पहली बार ओपन किया जा रहा एक अनटेम्पर्ड बॉक्स दिखाया गया है। रॉन्ग या डैमेज प्रोडक्ट्स के लिए टिकट रेज करते समय वीडियो के लिए कुछ गाइडलाइन दी गई हैं। इंश्योर करें कि शिपिंग लेबल वीडियो में विजिबल हैं, जिसमें AWB नंबर और ऑर्डर ID क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। इंश्योर करें कि शिपमेंट की सभी साइड वीडियो में क्लियरली दिखाई दे रही हैं। पैकेजिंग को पहली बार वीडियो बनाते समय ओपन करना होगा। सभी टिकट्स जहां वीडियो में पैकेज प्री ओपन है, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। वीडियो को एक बार में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और सभी एक्शंस को क्लियरली दिखाया जाना चाहिए। कट के साथ एडिटेड वीडियो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। याद रखें, अपने रिटर्न किए गए शिपमेंट के अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना अपनी कॉमन प्रैक्टिस बना लें। ध्यान रखें कि आपको शिपमेंट रिटर्न करने की डेट से 7 दिनों के अंदर टिकट रेज करना होगा। रिटर्न डिलीवरी के 7 दिनों के बाद आने वाले सभी टिकट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। कुछ इश्यूज के लिए मीशो आपको कंपेंसेट करता है, इन्हें क्लेम्स कहा जाता है। आप राइट साइड में व्यू क्लेम पर क्लिक करके रिटर्न या RTO ऑर्डर टैब से क्लेम को ट्रैक कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर रेंज की डेट्स के लिए ओवरव्यू सेक्शन में क्लेम से मिले अमाउंट भी देख सकते हैं। आप व्यू क्लेम पर क्लिक करके पिछले 6 महीनों के अपने सभी क्लेम्स वाले एक क्लेम ट्रैकिंग पेज पर पहुंच जाते हैं। क्लेम ट्रैकिंग पेज पर क्लेम्स को स्टेटस के आधार पर ग्रुप किया जाता है। एक क्लेम या तो अप्रूव्ड, रिजेक्ट या ओपन हो सकता है। ओपन क्लेम्स वे क्लेम्स हैं जिन पर अभी भी प्रोसेस किया जा रहा है और आमतौर पर किसी रेजोल्यूशन के लिए 2 से 7 दिन का समय लगता है। अप्रूव्ड क्लेम वे क्लेम हैं जिनके लिए आपको कंपेंसेशन मिला है या मिलेगा। अगर पेमेंट पहले से ही प्रोसेस में है तो हम ट्रांजैक्शन आईडी के साथ अमाउंट दिखाते हैं, ताकि आप अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ इसे वेरीफाई कर सकें। रिजेक्टेड क्लेम वे क्लेम हैं जिनके लिए आपको कंपेंसेशन नहीं मिला। इसके कारण को लास्ट अपडेट कॉलम में देखा जा सकता है। आप अपने रिटर्न को हैंडल करने और उसे कम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज ही मीशो पर लॉगिन करें और बिजनेस को आगे बढ़ाएं। हैप्पी सेलिंग। इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, हिट द सब्सक्राइब बटन ऑन आवर YouTube चैनल।